एक मोहब्बत ऐसी भी। एक लड़का शराब पी के रास्ते पे बैठा अपनी गर्लफ्रेंड को कोस रहा था। गलती किसकी थी पता नहीं, मगर एक लड़की की वजह से वह सारी लड़कियों पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि लड़कियां बेवफा होती है, लोगों को तो बस तमाशा चाहिए, इसीलिए बिना काम धंधे वाले लोग वहां जमा होने लगे। मैं भी बिना काम धंधे का आवारा चला गया भीड़ में शामिल होने। आखिर मैं भी तो इस देश का एक नागरिक था जो खुद से ज़्यादा दूसरों की बातों पर ताक झांक करता था। लड़का शराबी के नशे में बहुत कुछ गंदी बातें भी बके जा रहा था कि इतने में एक लड़का भीड़ से निकलकर उस लड़के को हाथ से उठाकर कहता है कि चल यार तुझे बहुत चढ़ गई है, और भीड़ को देखकर कहता है कि माफ़ कीजिए आज मेरे यार होश में नहीं है। वह शराबी लड़का कहता है कि तू कौन लड़का, अरे यार नशे में तू मुझे भी नहीं पहचानता, तेरा दोस्त हूँ यार। फिर वह ज़बरदस्ती लड़के को उठा के ले जाने लगता है। मुझे शराबी लोग बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर उनके बोलने के तौर तरीके देखकर मैं कहाँ पीछे हटने वाला था, चल पड़ा उन दोनों के पीछे। फिर एक पेड़ के छांव के नीचे उस शराबी लड़के को बैठा कर खुद भी बैठ गया। लड़का शक्ल सूरत भी अच्छी खासी थी, मगर उसको खूबसूरत उसके होठ की मुस्कुराहट बना रही थी। मैं पेड़ के पीछे छांव में भी बैठ गया। दिखाई भले ही ना दे रहे थे, मगर आस्ते बोलने पर भी उनकी आवाज़ें ठीक से सुन सकता था। शराबी सच बता यार तू कौन है लड़का, अरे छोड़ना मैं कौन हूँ कहाँ का हूँ, बस मैंने तुम्हें भीड़ से इसलिए उठा लाया कि तुम खुद अपनी मोहब्बत का मजाक बना सको। शराबी हा 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 मजाक, उसने मेरी ज़िंदगी की मजाक बना के रख दी, और तुम कहते हो कि भीड़ में मैं मजाक बन जाता, कभी प्यार किया है तुमने किसी से। लड़का खामोश। शराबी पता है दोस्त मोहब्बत में ना जो दर्द मिलता है कम वक्त शब्द भी कम पड़ जाते हैं दर्द व्यक्त करने के लिए। अच्छा किया मोहब्बत नहीं की तुमने किसी से, वरना तुम भी मुझे कहते खूब गालियाँ दो, लड़कियाँ सच में बेवफा होती। लड़का तब भी खामोश था। शराबी अरे क्या हुआ दोस्त कुछ तो बोल, मोहब्बत की थी कभी, लड़का तब अपनी खामोशी तोड़ कर कहता है। पता नहीं वह मोहब्बत थी या मेरी इबादत, मगर खुदा से पहले उसे ज़रूर याद करता था। शराबी कहता है इसका मतलब तुमने उसने तुम्हें धोखा दिया। लड़का मुझे तो ये भी नहीं पता कि धोखा किसे कहते, बस मोहब्बत करनी थी बेपनाह कर ली, जुदा हुए तब मालूम हुआ कि किस्मत भी बहुत मायने रखती है मोहब्बत में। अब शराबी का नशा शायद कम हो चुका था, वह अब लड़के से उसकी मोहब्बत की दास्तान सुनना चाहता था, इसलिए क्योंकि जुदा होने के बाद भी उस पागल को अपनी मोहब्बत से कोई शिकायत नहीं थी। शराबी तुमने मुझे दोस्त बोला, चलो आज हम दोनों अपनी अपनी कहानी शेयर करते, मगर पहले तुम सुनाओ। लड़का कुछ देर खामोश रहता है और फिर लंबी सांस लेके कहने लगता है, आज से 6 वर्ष पहले की बात है मैं फेसबुक पर मिले वह मैसेंजर पे आई लड़की ही। कैसे हो लड़का, जिंदा हूँ लड़की, ठीक से बात नहीं कर सकते क्या लड़का, अरे पागल मरा होता तो क्या मैं जवाब देता। लड़की पागल किसको बोला, लड़का खुद को बोला, चलो भाई लड़की इतना अकड़ने की ज़रूरत नहीं है, सुनो भाव मत खाओ, तुम्हारी उम्र कितनी है। लड़का 60। लड़की तब तो मैं तुम्हें अंकल मामा चाचा नाना कुछ भी बोल सकता हूँ। लड़का अरे मेरी माँ जो भी बोल मगर अभी पीछा छोड़। लड़की मगर तुम्हारी प्रोफाइल में तो तुम्हारी उम्र 25 बता रही है, फिर झूठ क्यों बोलते हो। लड़का तंग आकर, हाँ 25 का हूँ। लड़की ओह इसका मतलब तुम मेरी माँ से 13 साल छोटे हो और मेरी माँ तुमसे 19 साल बड़ी है। लड़का गुस्से में, अरे पागल सीधे सीधे बोलना कि मैं तुम्हारे सामने बुढ़ा हूँ। लड़की हाँ हो तो मगर उतने नहीं, इस तरह रोज नोक झोंक होती थी हम में, फिर ना जाने कैसे मुझे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। सादगी उसका भोलेपन, उसके होठों पे सजी सदाबहार मुस्कुराहट और उसके तीखे ऊंची नाक सजे चश्मे बहुत खूबसूरत और अच्छे लगने लगे। मुझे सोचा कि एक तरफा प्यार है, मगर शायद वह भी पसंद करने लगी थी। मैसेंजर पे एक दिन उसने आई लव कहा, मैं बेहद खुश हुआ, मगर नीचे फिर एक लाइन लिखा था, आई लव माँ। मैंने भी तुरंत जवाब में लिखा, लव यू फादर। वैसे वह हॉस्टल में पढ़ती थी, उसकी माँ का सपना था कि वह IAS ऑफिसर बने। वैसे पढ़ने में तेज थी, क्लास भी 12th तक वह टॉपर ही थी। हो तो भी क्यों ना, वो चश्मिश लड़कियाँ पढ़ाई की वजह से ही तो चश्मा पहनती है। उसके कॉलेज लौटने का दिन कल था और हम रात भर बातें करते रहे। वह बोलने लगे कि शायद मैं इस बार पढ़ने में कमज़ोर हो जाऊँ क्योंकि मुझे तुम बहुत याद आओगे। मैंने कहा कि पहले माँ के सपने को पूरा करो, हम इंतज़ार कर लेंगे। लड़की
कर सकोगे इंतजार? 6 साल तक लड़का, सदियों तक तो नहीं ना करवाओगी? कर लेंगे मुस्कुरा के। मैंने नाम पूछा उसका तो बोली, पागल चश्मिश तो बोलते ही हो, और इससे प्यारा नाम क्या होगा मेरे लिए। फिर मैंने अपना सेल नंबर दिया और कहा कि ये नंबर बस इसलिए दे रहा हूँ कि जब सपने पूरे हो जाए तब याद करना मुझे। हम फिर वहीं मिलेंगे जहाँ से आज बिछड़ रहे हैं। बस भरोसा रखो कि मैं तुम्हारे सपनों के बीच कभी नहीं आऊँगा। अब मैं हर पल परछाई बन के रहूँगा तुम्हारे साथ, एक दुआ बन करवा। पल बड़ा गमगीन था, मैं रो रहा था और उसके शब्द कह रहे थे कि चश्मिश भी रो रही थी। इस तरह वह अपनी माँ के सपनों को पूरा करने चली गई और मैं इधर दुआ के साथ उसके इंतजार में बैठ गया। श्रावी, फिर क्या हुआ? 1 साल पहले की बात है कि मुझे फेसबुक में ही एक अच्छा दोस्त मिला जो IAS बनना चाहता था। हमारी दोस्ती बड़ी गहरी हो गई। वह मुझे अपने सपनों के बारे में बताता था और मैं भी घमंड से कहता था कि मेरी होने वाली पत्नी भी IAS की पढ़ाई कर रही है। मेरे दोस्त बहुत खुश हुआ और कहा कि दोस्त भी IAS और पत्नी भी IAS, तू तो किस्मत वाला निकला। कोई 1 महीने पहले की बात है, मुझे अपने दोस्त की सगाई का न्योता मिला। मुझे जाने की बिल्कुल अच्छा नहीं थी, मगर उसके दबाव के आगे मैं झुक गया। मैं सगाई में जैसे ही पहुंचा, मेरे दोस्त ने जिस लड़की से मिलाया वह और कोई नहीं मेरी चश्मिश पागल थी। वह फर्क इतना था कि इस वक्त उसकी आंखों में चश्मा नहीं था। दोस्त ने कहा, इनसे मिलो नैना शर्मा, SI ऑफिसर, मेरे होने वाली धर्मपत्नी। चश्मिश मुझे देखते ही झुककर अपने पैरों के अंगूठे से ना चाहते हुए भी जमीन खोदने लगी। तभी मेरे दोस्त ने उसकी मंगेतर से कहा, ये है मेरे दोस्त, तुमको पता नहीं होगा नैना कि हमारे दोस्त भी किसी IAS ऑफिसर से शादी करने वाले हैं। 6 साल का लंबा इंतजार, क्या इन्होंने गजब की मोहब्बत है इन दोनों में। लड़की का नाम तो सुनो जरा, महा से अपनी मोहब्बत को पागल चश्मिश कहते हैं। अच्छा बताओ दोस्त, कब बुला रहे हो हम दोनों को अपनी शादी में? लड़का, मेरी चश्मिश किसी और की हो गई है दोस्त। दोस्त, क्या तुम्हारा तो 6 साल का बेकार में चला गया? दोस्त, लड़का, कहाँ गई बेकार, एक एक दिन गिन गिन के हर पल दुआ मांगी है मैंने उसके खुशियों के लिए, आज वह खुश है। दोस्त, इन 6 सालों में तुमने कभी फ़ोन नहीं किया, ये तुम्हारा कहना था, मगर उसने तो किया होगा ना। वह करती भी तो मैं नहीं उठाता, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता था कि उसके सपनों के आगे मेरी मोहब्बत रुकावट बने। दोस्त, तुम जब उससे मिले तो क्या वह तुम्हें पहचान पाई? लड़का, शायद उसने मुझे पहचाना हो या नहीं, मुझे पता नहीं, मगर मैं उसे पहचाना नहीं। दोस्त, अरे 6 साल तक जिसका इंतजार बड़ी शिद्दत से किया उसे ही पहचान ना पाई, ये क्या बात हुई? लड़का, मैंने 6 साल तक सिर्फ एक पागल चश्मिश का इंतजार किया है, आज वह समझदार IAS ऑफिसर है और वह आजकल चश्मा नहीं पहनती, और बिना चश्मे के वह मेरी चश्मिश कहाँ। दोस्त, IAS ऑफिसर मतलब बहुत बड़ा इंसान होता है, और बड़ा हो जाने पर लोग अक्सर बदल जाते हैं। लड़का, IAS ऑफिसर तो बनी थी, खुदा तो नहीं, मैंने तो उसे खुदा तक माना था। होगी कोई मजबूरी जो शब्दों में बयां शायद वह भी ना कर सके। लड़का इतना कह के निकल जाता है। उधर लड़की जल्दी से वॉशरूम जाके फूट फूट कर रोने लगती है। पागल, मैं सोची तू बेवफा निकला, मगर तूने तो वफा का पूरा समंदर ही पी रखा था। मेरे इतने फ़ोन करने पर भी तुम्हारा ना उठाना, मेरे सपनों को पूरी होते देखना था, और मैं पागल तुम्हारी चश्मिश तुम्हें ही बेवफा समझ बैठी। मैंने चश्मे ना पहनने की वजह भी तुम ही हो, पागल तुम ही हो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे अलावा और कोई मुझे चश्मिश कहे। फूट फूट कर रोने लगती है चश्मिश की। तभी माँ आके गले लगा के कहती है, कुछ इंसान है इस जहाँ में फरिश्ते जैसे, वह तेरा पागल वही था। माँ बेटी की आँखों में आंसू थे, मगर समझ नहीं पा रहे थे कि IAS बनने की खुशी में कि एक फरिश्ते को खोने के गम में। उधर शराबी, अड़े उसके सपनों की ऐसी की तैसी, तुम से मोहब्बत करके भी तो सपने पूरा कर सकती थी, और तुम बेवकूफ़ फ़ोन तो उठाते, तुम लाकर भी तो सपने पूरा कर सकते थे। लड़का उसके सारे सपने में ज़रूर पूरा करता, मगर वह सपने उसके नहीं उसकी माँ के थे, और मैं एक माँ के आगे अपनी मोहब्बत को परेशान नहीं कर सका, क्योंकि ये जो माँ शब्द होती है ना, मोहब्बत की भी माँ होती है। मुझे वह नहीं चाहिए था, मुझे बस उसकी और उसके माँ की खुशी चाहिए थी। 6 साल तक बेपना मुकम्मल मोहब्बत का नतीजा था कि मेरी चश्मिश भी खुश है और माँ
के सपने भी पूरे हो गए। अब तुम सुनाओ दोस्त अपनी कहानी। शराबी, मोहब्बत का सारा पैमाना तो तेरी मोहब्बत में देखी मैंने। मेरी सुनाऊंगा तो चुटकुला लगेगा, शायद उसकी भी कोई मजबूरी होगी, आखिर वह भी तो एक माँ की अच्छी बेटी ही थी। लड़का, एक लड़की वफा करे भी तो किस किस से, उस माँ से जिसने 9 महीने अपने गर्भ रख के बिना देखे प्यार किया, या उस शख्स से जो उसे कुछ दिनों से जानती है। इतना कह के लड़का चला जाता है कि तभी शराबी कहता है, ऐ पागल। लड़का थोड़ी देर बिना मुड़े कुछ देख खामोश रहता है, और जब मुड़ता है तो उसके दोनों पलकों में आंसुओं के समंदर होता है। शराबी, सॉरी यार, तुझे पागल कहकर रुला दिया मैंने। लड़का भीगी पलकों में भी मुस्कुरा के कहता है, वह भी मुझे पागल ही कहती थी मेरी पागल चश्मी, आपका अजनबी हम सफ़र। अनार क्यों आया है? हम्म, अनार क्यों आया है?